मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहला समूह में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां फ्रॉडस्टर्स ने नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप पर साइबर अटैक करते हुए कुछ एपी के फाइल भेजी थी। उन फाइल को निगम के डिप्टी कमिश्नर सहित तीन अन्य कर्मचारियों ने खोला तो उनका फोन हैक हो गया और उनके बैंक खातों से रुपए निकाल लिए गए। अब इस मामले में साइबर क्राइम विंग पड़ताल में जुटी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ग्वालियर नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप पर साइबर अटैक हुआ है, जहां साइबर ठगों ने एपी के फाइल से सेंध लगाते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रदीप श्रीवास्तव सहित तीन अन्य निगम कर्मचारियों के खाते से रुपए उड़ा लिए हैं। वहीं ठगी के शिकायत डिप्टी कमिश्नर ने ठगी की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत में बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने एपी के फाइल डाउनलोड की तो मोबाइल हैक हो गया और सारा एक्सेस हैकरों के पास चला गया। उनका और निगम कर्मचारी का अलग अलग समय में 15 मिनट से आधे घंटे तक मोबाइल हैक रहे, जिसके बाद उनके बैंक खातों से रुपए भी निकल गए। पुलिस की नजर में सामूहिक तौर पर साइबर ठगी का यह पहला मामला सामने आया। ग्वालियर के जो नगर निगम उपायुक्त तो प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अमेजन प्राइम का सब्सक्राइब लिया था और वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जो है गूगल कस्टमर केयर पर से नंबर चाहा। उनको जो है गूगल कस्टमर केयर से जो है नंबर जो मिला उस पर उन्होंने फ़ोन लगाया, तो कस्टमर केयर वालों ने जो उनको नंबर बताया और एक एप्लीकेशन एपीके एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बताया। उन्होंने जैसे ही एपीके एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उनका मोबाइल हैक हो गया और उनके मोबाइल से करीब 47,000 रुपये फ्रॉडों ने निकाल लिए। तो उनकी जो है रिपोर्ट पर से साइबर क्राइम जो हमारी टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही है, जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर राशि बरामद की जाएगी। फिलहाल खाता फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पुलिस की साइबर विंग इस पूरे मामले की विवेचना में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।